राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। प्रदेश में भी जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में जिला के रिज मैदान पर कांग्रेस नेताओं सहित माकपा नेता ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, मीडिया सलाहकार नरेश चौहान और माकपा नेता टिकेंद्र पंवर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि आज हम महात्मा गांधी के देश की आज़ादी के लिए दिए गए उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। आज उनकी 75वीं पुण्यतिथि है और महात्मा गांधी की शिक्षा पर आचरण करें और अपने जीवन में अपनाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने सदैव देश को एकजुट रखने का आह्वान किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 75th जो है वो पुण्यतिथि है। इस अवसर के ऊपर हम जहाँ शहीदों को नमन करते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस देश के योगदान के लिए उनको याद किया जाता है, आज उनकी जो महात्मा गांधी की जो आज इस देश के प्रति जो बलिदान है और उनकी जो टीचिंग्स हैं, शिक्षाएं हैं, उसको जो है वो हम लोग उसके ऊपर आचरण करें। और वो सिर्फ हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता नहीं थे, उसमें विश्व में उनका बहुत मान सम्मान रहा है। आइंस्टाइन ने लिखा है कि आने वाली सदी में जो हमारे लोग हैं और बच्चे हैं वो कभी ये विश्वास नहीं करेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर एक बॉडी मास का एक पिंजरा जो था उसने इस सारे विश्व को एक मार्गदर्शन दिया है। आज कुछ ऐसी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो महात्मा गांधी की तुलना गोडसे से करती हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज इस पंचतंत्र में, क्योंकि मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था कि आज एक ऐसे सांप्रदायिक लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं जो महात्मा गांधी को और उसकी जो शिक्षा उसको न मान करके घूसे जैसे ऐसे शख्स को जिसने उसकी हत्या की थी उसको जो है वो श्रद्धांजलि देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस गुजरात से वो चले और विश्व को उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया, आज उसी गुजरात में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसमें जो है वो आरएसएस के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि महात्मा गांधी की जो इस देश के प्रति जो सेवाएं हैं उनको नज़रअंदाज करके गौर से ऐसे लोगों को जो है आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्य है। हम चाहते हैं कि उनकी जिया मार्ग जो है उसको हम प्रशस्त करें, देश में भाईचारा स्थापित करें। हिंदू मुस्लिम की ये जो हर बार कंट्रोवर्सी रहती है उसको ख़त्म करें। उसने हमेशा देश के सभी नागरिकों को, चाहे किसी मजहब थे, किसी कौम थे, किसी धर्म के, सभी को इकट्ठा रहने के लिए प्रेरित किया और एक राष्ट्र की जो है वो धारणा पैदा की। और इस अवसर के ऊपर हम उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं, उन नौजवान शहीदों को भी श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। वहीं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 30 जनवरी 1948 को देश की आज़ादी का जश्न मनाते साल भी पूरा नहीं हुआ था, उस रोज सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की गई। तब से लेकर इस दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन उन सभी शहीदों को याद किया जाता है जिसने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया है। 30 जनवरी 1948 आज़ादी का जश्न मना के साल भी पूरा नहीं हुआ था, उस रोज़ जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की निर्मम हत्या की गई। और तब से लेकर 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र जिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और उसके बाद में
इस देश की अखंडता और एकता के लिए जिन्होंने महान बलिदान दिया उसके लिए जो है हम नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए बलिदानों के को लेकर और महात्मा गांधी जी की जो सत्य और अहिंसा की एक सोच थी उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने भी जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक जो है पद यात्रा करके करीब करीब 4000 किलोमीटर का देश में जो नफरत की राजनीति पिछले कुछ सालों से हावी हो रही है उसको कम करने के लिए और देश को जोड़ने के लिए, एकता और अखंडता के लिए आगे बढ़े हैं। हम सबको मिलकर जो है महात्मा गांधी जी के सीख पर आगे बढ़ना है।